अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है कि क्या साउथ कोरिया में आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। तो क्या नाम है, क्या ये बहुत इजी है, क्या ये लाइक यू नो बाएं हाथ का खेल है, या क्या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस, सबसे पहले तो अभी मैं गया हुआ था डेगू सिटी और वहाँ पर मैं अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड को मिला था। तो उस फ्रेंड से मिलने के बाद मुझे हुआ यार कि अभी मैं लाइक वापस आया हूँ, अभी मैंने चेंज भी कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा यार ये वीडियो लाजमी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उसकी स्टोरी सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ एंड आई रियली वांटेड टू शेयर दैट स्टोरी विद यू। उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि वो कोरिया कैसे आई। तो गाइज, लाइक 2016 की बात है, मेरी फ्रेंड, उसका नाम जैस्मिन है और शी इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना से है। और 2016 में उसे कोरिया बहुत कोरियन ड्रामाज वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा कोरिया पसंद था। तो वो 2016 में आई थी कोरिया। कोरिया आने के बाद समटाइम शी वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ, लाइक कभी वापस चले जाती थी, कभी आ जाती थी। और उसके बाद उसे जॉब मिल गई कोरिया में 2017 में। 2017 से लेकर 2018 तक उसने जॉब की यहाँ पे, लेकिन यू नो उसने वो मास्टर्स यहाँ पे करना चाह रही थी। लेकिन अभी जो है ना, उसके ऑफकोर्स जॉब वो कर रही थी, इट वॉज नॉट लाइक अ प्रोफेशनल, क्योंकि मास्टर्स उसकी डिग्री नहीं थी यार, पीएचडी नहीं थी। तो एक बहुत ही छोटी स्पेनिश टीचिंग की जॉब वगैरह कर रही थी, तो उसके इतने ज़्यादा लाइक अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। खैर, उसने कहा कि यार कि मैं रियली शी वॉन्टेड टू स्टडी इन कोरिया फॉर फ्री, स्कॉलरशिप पर पढ़ना चाह रही थी। अभी 2018 के अंदर उसके बाद अभी वर्क वीज़ा है, लाइक शी वॉज इन कोरिया। अभी वो जो है ना, वो उसने एक रिस्क लिया, वो उसके पास दो चॉइसेस हैं, चाहे तो वो कोरिया में वर्किंग वीज़े पे जिस तरह का वो पढ़ा रही थी उसी तरह पढ़ाती रहे, या वो अर्जेंटीना वापस जाए, अपने वीज़े को छोड़ के अर्जेंटीना वापस जाए, वहाँ पे दोबारा प्रिपरेशन करे स्कॉलरशिप के लिए। और याद रखो कि जो है ना, पूरे वो स्कॉलरशिप जिस तरह पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं, इसी तरह अर्जेंटीना से भी पूरे अर्जेंटीना के लोग अप्लाई करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अर्जेंटीना जाए, अपना वीज़ा छोड़ के वहाँ पे जाके दोबारा प्रिपरेशन करे, अपने अप्लीकेशन तैयार करे और जो KGSP स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करे, कम्पीट करे, पूरे अर्जेंटीना के लोगों के साथ कम्पीट करे, उसके बाद सिलेक्शन होती है तो दोबारा कोरिया आए। और ये बहुत बड़ा रिस्क था यार उसके लिए, बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन खैर, क्योंकि उसका ड्रीम था कोरिया आना, कोरिया के ऊपर स्टडी वीज़ा स्टडी पे जो है ना, यहाँ पे मास्टर्स करना, तो उसने कहा कि जो है शी टुक द रिस्क। वो 2018 में जो है ना अर्जेंटीना वापस गई। खैर, अभी अर्जेंटीना वापस गई है, तो यार उसके बाद अभी जो है ना, ऑफकोर्स शी वॉज मिसिंग कोरिया अलॉट। 2018 में उसके बाद जो है ना, उसने अपनी वो स्टडी तो नहीं कर रही थी वहाँ पे, तो उसने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने के लिए, अपना जो मोटिवेशनल लेटर है वो बनाने के लिए, अपनी पर्पस ऑफ स्टेटमेंट जो है ना वो बनाने के लिए, पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो बनाने के लिए उसने मेहनत स्टार्ट कर दी। यार 5-6 माह उसने इस चीज़ पर लगाए थे कि जब वो अप्लाई करेगी ना KGSP स्कॉलरशिप पे, तो ताकि उसकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो। अभी अगर आप लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को अभी KGSP स्कॉलरशिप का नहीं पता, तो वो KGSP स्कॉलरशिप ये होता है कि पूरे दुनिया के अंदर हर कंट्री से वो तकरीबन 2-3 लोग या 4-5 लोग, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 10-11-12 लोग जो है ना वो लेते हैं। तो पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अम्बेसी पहले कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करती है। उन इंटरव्यू के बाद फॉर एग्जांपल अगर 20,000 लोगों ने अप्लाई किया है लेट्स से पाकिस्तान में से, तो 20,000 में से अम्बेसी सेलेक्ट करती है लेट्स से 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए। 50 लोगों के बाद उनमें से 10 की सिलेक्शन होती है, और 10 के बाद भी कुछ लोग जो है ना 7-8 के करीब जो कोरिया की गवर्नमेंट जो फाइनल सिलेक्शन करती है, और फिर वो लोग कोरिया आते हैं। तो उस लड़की का भी यही हाल था, उसने भी वही उसी तरह अप्लाई करना था, एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना था। उसने अपना ये जो ना 3-4 माह तो लगाए अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बनाने पर, बहुत मेहनत की उसने, एक एक चीज़ देखी कि क्या मुझे करना चाहिए। उसके बाद जो है ना पर्सनल ट्रेनिंग के बाद जो ना उसने मोटिवेशन लेटर बनाया, उसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और साथ में कोरियन लैंग्वेज सीखना भी जो है ना उसने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लैंग्वेज की तैयारी भी लाजमी करो, लैंग्वेज अगर आप लोगों को आती हो तो बहुत बड़ा प्लस होता है। खैर, उसने कोरियन लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद यू नो खैर फरवरी और मार्च में स्कॉलरशिप्स ओपन हुए, उसने अप्लाई किया, और जो है ना मई के अंदर, मई 2019 के अंदर उसका नाम अम्बेसी ने शॉर्ट लिस्ट कर दिया। तो पूरे जो अर्जेंटीना के अंदर से उसका नाम, जो टॉप के जो है ना 20-25 लोग थे उनका इंटरव्यू के अंदर नाम आ गया, और शी वॉज वेरी हैप्पी कि यार उसका जो है ना एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए नाम आ गया। खैर, इंटरव्यू उसने दिया, इंटरव्यू के बाद उसकी जो है ना अभी 2 माह पहले उसकी जो है ना फाइनल सेलेक्शन हो गई थी। और अर्जेंटीना से सिर्फ 2 लोग जो है ना, 2 लड़कियाँ आई हैं पूरे कोरिया में। अभी आप लोग अंदाज़ा लगाओ यार उसका ड्रीम क्या था, कि यार इतनी मैंने एक साल उसने और कुछ नहीं किया, अपना उसका ड्रीम था ना, ड्रीम के परसू की नहीं करने के लिए वो वापस अर्जेंटीना गई, वहाँ पे जाके उसने मेहनत की, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, और फिर उसके बाद जो है ना उसने कम्पीट किया, और अभी जो है ना कोरिया दोबारा
फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे कोरिया ही है। तो गाइज अगेन अल्लाह ताला, जहाँ मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला ने भी फरमाया हुआ है कि लैसा लिल इंसान है इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली डेफिनेटली आ सकते हो यार, मैं आ सकता हूँ, मेरे कोई पार नहीं लगे हुए, वो आ सकती है तो आप लोग भी आ सकते हो। हाँ कोई, मैं देखता हूँ कि कई कहते हैं कि कोरिया का भाई मुझे शॉर्टकट बता दो, भाई कोरिया आने का आसान तरीका बता दो। यार आसान आना अगर हो ना, आजकल आप लोगों को पता हो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन फिलिपीन दे वांट टू कम टू कोरिया, क्योंकि कोरिया का ड्रामों का या कोरिया के पॉप का बहुत क्रेज़ है। अगर कोई शॉर्टकट हो ना, अगर कोई क्या कहते हैं कि तुक्का लगा के आना हो या जो है ना एक बहुत इजी तरीका हो, तो पूरा फिलिपीन या कोरिया आ जाए। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं कोरिया, तो सारे आने आ सकते हैं। तो भाई आसान तरीका कोई नहीं होता, आप लोग मेहनत करते हो तो मेहनत करने के बाद आपको उसका फल मिलता है। ये नहीं है कि यार घर बैठे बैठे, हाँ कुछ लोग जो है ना हो सकता है 12 लाख 14 लाख दे के जो कोरिया आए और लोगों समझते हैं यार ये बंदा कोरिया चला गया, लेकिन इमेजिन करो कि वो 12-14 लाख उसने या उसके अब्बू ने कितनी मेहनत करके कमाए होंगे, कहीं तो वो मेहनत की होगी और वो बंदा यहाँ पे आया है, और फिर भी वो 14 लाख क्या वो डिजर्व करता है यहाँ पे आके एक जो है ना इलीगल रहना? ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं होती। तो यार जो भी, यार आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी आप कुछ लोग इतना ज़्यादा पैसा दे के आना चाह रहे होते हैं, तो आप लोग उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि यार एटलीस्ट मेहनत करो यार, मेहनत करके आना चाहो, और मेहनत करके आने का अपना एक अलहदा मज़ा है। तो भाई यार कोई लोग मुझे पूछते हैं ना स्पेशली स्टूडेंट के लिए कि भाई स्टूडेंट वीज़े के लिए मुझे कोई शॉर्टकट बता दो, मैंने आना है फ्री में, तो भाई शॉर्टकट कहीं भी नहीं है, आपने एटलीस्ट कम्पीट करना है। हाँ अगर तो आप लोग 14 लाख 15 लाख एजेंट को दे सकते हो ईजिली, तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों का है, लेकिन एट द एंड इलीगल कभी नहीं होना चाहिए, मुल्क का नाम ख़राब होता है, मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट वीज़े पे स्कॉलरशिप पे आना चाहते हो तो उस लड़की की एग्जांपल माइंड में रखो, मेहनत करो और मेहनत करने के बाद कोरिया आओ, और साथ में जो मेहनत करने के बाद कोरिया आता है उसका मज़ा ही अपना है, अल्लाह ताला जो है ना उसके और ज़्यादा ब्लेसिंग, क्योंकि मेहनत का फल तो डेफिनेटली मिलता है। तो खैर ये एक छोटी सी स्टोरी थी यार, मैं वाकई उसकी स्टोरी मैंने सुनी है तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, और मेरी भी शायद आप लोगों को स्टोरी याद हो, मैंने भी यार 2013 की बात है, मेरे कोरियन फ्रेंड से मिला था, कोरियन फ्रेंड्स के बाद मेरा एक ड्रीम था यार कोरिया आना है, और 2015 में जो है ना मैं जो आके कोरिया आया था स्कॉलरशिप के थ्रू, वो उसी तरह मैंने भी पाकिस्तानियों के साथ कम्पीट किया था, और अभी कोरिया में बैठा हूँ आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो यार आप लोग भी आना चाह रहे हो तो डेफिनेटली मेहनत करो, कभी शॉर्टकट के चक्करों में कभी ना पड़ना, नहीं तो डेफिनेटली हो सकता है आज कामयाब हो गए तो कल जो है ना लाजमी एक लात पड़ेगी, और इट्स गोना बी बैड फॉर यू और बैड फॉर द कंट्री। हमेशा मेहनत करो और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आपके ड्रीम्स को जो है ना पूरा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो, क्विक वीडियो, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, एक ही जो है ना फर फर मैं बोलता रहा हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।